से ये सीधे तस्वीरें राजघाट के बाद से आप अटल चौक की देख रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा अंजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, और उसके पहले राजघाट पहुंचे थे, शपथ से पहले महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धा अंजलि अर्पित की। अब अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को राजनीति में अमल करने के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जनता का शोर और मोदी मोदी के नारे भी आप सुन सकते हैं। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, ये जो लाइन है और इसका जो मतलब है, अगर वो किसी ने जीवन में धारण कर लिया, और उन्हीं को धारण करते हुए ही नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और शाम 7:15 बजे वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये राजघाट के बाद से सदैव अटल दिल्ली से सीधे तस्वीरें, और इसके बाद सीधे वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो देश के लिए प्राणों की न्यौछावर किए और जो देश के लिए हमेशा तत्पर रहे, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो ये जो तस्वीर है शपथ से पहले, वो बेहद ही अहम हो जाती है, क्योंकि 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी अटल चौक पहुंचे थे, सदैव अटल, और आज फिर 2024 में जब वो सरकार गठन करने जा रहे हैं, तो आज अटल बिहारी वाजपेयी के उस सिद्धांतों को अमल में लाते हुए आज अपने प्रिय अटल जी को हर क्षण स्मरण करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि वे भाजपा को, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, लोगों की सेवा करने का इतना बड़ा अवसर मिलता देख बहुत खुश होते हैं। अटल जी के जीवन और उनके कार्यों से वो बहुत प्रेरित होते हैं। शासन व्यवस्था को बेहतरीन बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में ये प्रयास, अथक प्रयास, लगातार जारी रहेगा, और अब तो ये प्रयास और ज्यादा अग्रसर और तेज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार का विजन विकसित भारत 2047 तक जाना है। तो ये तस्वीरें आपको हम फिर से दिखा रहे हैं सदैव अटल से, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को नमन प्रकट करते हुए श्रद्धा अंजलि अर्पित की, और फिर उसके बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहां पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सरकार भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे प्रतिज्ञा को लेते हुए अपने तीसरे टर्म का निर्वहन करने की तैयारी नरेंद्र मोदी करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, और आज फिर शपथ से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुंचे, वहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, ये कोई भी शख्स नजर नहीं आए, जबकि आपको वो अकेले इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि भव्य समारोह की तैयारियां की जा रही हैं, शपथ की जो शाम 7:15 बजे होंगी, 8,000 मेहमानों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। हम साथ साथ को लेकर नरेंद्र मोदी इस बार चल रहे हैं, क्योंकि 2019 में हमने देखा बिम्बिस्टिक मेहमानों को बुलाया गया, और इस बार पड़ोसी राज्यों के मेहमानों को बुलाया गया है।